तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को सुबह के 10 बजे से मतगणना तय थी। 11 बजे तक केंद्र पर सन्नाटा था। पता चला कि फर्जी मतदाता छात्रा नेहा कुमारी की पहचान के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र मदन अहलिया कॉलेज गए हैं। 3 बजे के करीब केंद्र का गेट खुला और कुर्सियां सजाई जाने लगी। डॉक्टर योगेंद्र केंद्र के अंदर गए तभी छात्र राजद के अध्यक्ष दिलीप समर्थकों के साथ आए। उपस्थित पुलिस अधिकारी ने परिसर खाली करने को कहा तो दिलीप ने कहा कि डॉक्टर योगेंद्र से बात कराइए। राजद ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दिया। फिर वहीं केंद्र के अंदर वाले चैनल गेट के पास धरना पर बैठकर जबरदस्त नारेबाजी करने लगे। राजद चुनाव रद्द करने को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। 3:24 में ट्रेनी SP विनीत और 3:30 में सिटी DSP राजवंत सिंह, 3:32 में SDM आशीष नारायण पहुँचे। विनीत ने माइकिंग करते हुए शांति की अपील की और कहा कि अधिकारी अंदर बात कर रहे हैं, जो निर्णय होगा बताया जाएगा। 3:42 में कुलपति आए। 3:53 में विनीत कुमार ने दोनों पक्षों के 5 प्रत्याशियों को अंदर भेजा। अंदर करीब 1 घंटे तक समझाने बुझाने का दौर चला। राजवंत सिंह, SDM, कुलपति, डॉक्टर योगेंद्र समेत डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने भी बहुत समझाया। इस बीच विनीत ने मीडिया से भी चैनल गेट से हट जाने को कहा। तभी ABVP के 5 प्रत्याशी कुर्सी छोड़कर एक कोने में कुछ विमर्श किया। इसके बाद कुलपति ने 14 फरवरी तक जांच प्रक्रिया की बात कही और कुर्सी छोड़ उठ गए। 4:46 में सभी प्रत्याशी बाहर आए और कुलपति भी चले गए। किसी भी अधिकारी ने मीडिया से आधिकारिक तौर पर बात नहीं की। अंदर गए मोहित और अभिज्ञान सिंह से फोन पर बात हुई। मोहित ने कहा कि छात्र राजद ने पुनः मतदान की मांग की है, जबकि अभिज्ञान ने कहा कि जांच समिति गठित की गई है। समिति मतदाता द्वारा मत पत्र की फोटो लेने, फर्जी छात्रा द्वारा मतदान, कहलगांव की घटना आदि की जांच करेगी। समिति में सभी संकायों के डीन रहेंगे। 14 फरवरी को समिति की रिपोर्ट आने पर विश्वविद्यालय प्रशासन निर्णय लेगा कि पुनर्मतदान होगा या पुनर्गणना। सन्मार्ग के लिए भागलपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।